आज की इस वीडियो में जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं इस वीडियो में हम लोग पूरा कर देंगे अब इस वीडियो को जितना इंटरेस्टिंग हो सके उतना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है क्योंकि ये वीडियो क्योंकि ये बुक ख़त्म होने जा रही है दोस्तों इतना तो पक्का है कि अगर आपने ये बुक यहाँ तक देखी है इसका मतलब ये है कि आप एक खुले दिमाग के इंसान हो जो चीज़ों को नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो कई लोग कट्टर होते हैं समझना पसंद ही नहीं करते कि हम लोग तो फलाने सब्जेक्ट से हैं या फिर फलाने सब्जेक्ट से हैं तो हम बिज़नेस के बारे में क्यों पढ़ें दोस्तों ये बिज़नेस के बारे में नहीं ज़िंदगी के बारे में सिखाती है बुक अभी तक आप जितने भी रेगुलरली इस वीडियो को सुन रहे हो अभी तक आप में से जितने भी व्यूअर्स रेगुलरली सीरियसली इस बुक को पढ़ रहे हो तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये बुक इतनी स्पेशल क्यों है शुरू में बहुत बोरिंग लगती है दोस्तों लेकिन बाद में इसका इंटरेस्ट पता चलता है कि ये कैसी बुक है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा और एंड में एक लास्ट बुक सजेस्ट भी की है रॉबर्ट कियोसाकी ने उसके बारे में भी पता चलेगा शुरू करते हैं तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर का नाम है शुरू करते हैं यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ने इतना सिखा दिया है तो अब वो बताते हैं कि अब शुरू कैसे करना है वो अपने एक्सपीरियंसिस को बताते हैं कि उन्होंने कैसे शुरू किया था ये इतना आसान है जितना एक बाइक को खरीद के बेचना बस खुद पर भरोसा रखो अपने अंदर के फाइनेंशियल जीनियस को जगा के रखो मैंने एक सोना खोदने वाले से पूछा था कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि तुम सोना खोदते हो वहाँ तुम्हें सोना मिल जाएगा तो वो बोला बड़ी अच्छी बात बोला कि सोना तो सर हर जगह है देखने वाले की नज़र चाहिए सबकी आंखें नहीं देख पाती भाई बात तो सही है यहाँ पर रॉबर्ट के उसा की दस अपनी दस ताकतों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में यूज़ की तो शायद किसी की भी लाइफ बदल सकती है शुरू करते हैं उन्हीं के नज़रिए से पहली ताकत मुझे जो कुछ इस बुक में बताया गया है वो सब मुझे क्यों करना चाहिए सबसे पहला कारण ढूंढो। एक ऐसा कारण एक ऐसा रीज़न जो रियलिटी से बड़ा हो मतलब जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि तुम अमीर बनना चाहते हो तो वो बोलते हैं हाँ लेकिन रियलिटी कुछ टाइम बाद उन पर हावी हो जाती है दस पंद्रह मिनट बाद में वो कहते हैं रियलिटी तो कुछ और ही है लेकिन इस रियलिटी से बड़ा कुछ चाहिए यहाँ पर यही कारण ढूंढना है हमको मैं एक लेडी से मिला था जिसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल चाहिए था अब रियलिटी ये थी कि उसे सुबह उठकर कर चार बजे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी उसके बाद सारा काम करना पड़ता था पढ़ना भी पड़ता था बाकी सब काम भी करने पड़ते थे तो ये रियलिटी थी मैंने उससे पूछा कि ये सब क्यों कर रही हो इतनी मेहनत क्यों कर रही हो तो वो बोली ये सब मुझसे करवाता है प्यार मेरे अपनों के लिए प्यार जो मुझे हिम्मत देता है तो प्यार उसकी वो ताकत थी जो रियलिटी से बढ़कर थी तो रियलिटी से बढ़कर एक कारण चाहिए आपकी ताकत क्या है जो रियलिटी से बड़ी हो आगे चलकर कर ये सच्चाई ये हकीकत उस पर हावी ना हो जाए ऐसा एक रीज़न ढूंढो ऐसा एक कारण ढूंढो मेरा खुद का पर्सनल रीज़न ये था कि मैं फोर्टी की एज में चालीस साल की एज में आज़ाद होना चाहता था ये काम धंधे से लेकिन मैं सैंतालीस की एज में आज़ाद हो पाया मुझे चालीस साल की एज में इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लेना था कि काम अपने आप होता रहे मैं रहूँ या ना रहूँ तो सबसे पहली ताकत यह है कि एक दमदार रीज़न ढूंढो जिस पर रियलिटी हावी ना हो पाए दूसरी ताकत हर दिन एक ऑप्शन चूज़ करो हर दिन एक ऑप्शन चूज़ करने का मतलब यह है कि मैं भी अपनी लाइफ में एक ऑप्शन डेली चूज़ करता हूँ मतलब जब भी मेरे हाथ में एक डॉलर आता है एक रुपया आता है एक पैसा आता है तो मेरे सामने उसी के साथ साथ दो ऑप्शन आते हैं जो मुझे चुनने होते हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा पहला ऑप्शन ये कि इसको खर्च करके मैं गरीब बन जाऊं एक थोड़े टाइम की खुशी को ख़रीद लूँ या फिर इसे इन्वेस्ट कर दूँ नाइन्टी परसेंट लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनते हैं कि इसको खर्च कर दो और गरीब वाली ज़िंदगी जियो आगे क्योंकि उन लोगों को बस आज का मज़ा दिखता है जैसे ही आपके हाथ में पैसा आता है दो ऑप्शन आते हैं तो आपको क्या चुनना है यह आप पे डिपेंड करता है इन्वेस्ट करने वाला ऑप्शन चुना है तो सबसे पहले आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट जा करके किसी म्यूचुअल फंड या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करो सबसे पहले इन्वेस्ट करो अपने दिमाग में दिमाग को ट्रेनिंग देने में ये दिमाग ही आपको कमा के देगा सबसे पहले दिमाग में इन्वेस्ट करो अब फैसला आपके हाथ में है कि सारा दिन बैठ कर टी वी देखो कोई गेम खेल लो क्रिकेट देख लो या फिर किसी फाइनेंशियल क्लास में जाओ कुछ सीखो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपने दिमाग में इन्वेस्ट करो के बारे में जानने में इन्वेस्ट करो सबसे बड़ी गलती यही कर जाते हैं लोग जानते हैं नहीं जाके इन्वेस्ट कर देते हैं ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है मेरी एक दोस्त थी जिसके घर में एक बार चोरी हो गई बहुत पैसे वाली दोस्त थी वो उसके घर में चोरी हो गई चोर उसके घर से टी ले गए बी ले गए लेकिन सबसे बड़ा खजाना उसकी बिजनेस की बुक्स को छोड़ गए जिससे जिनसे उसको ये सब मिला था अब चोरों का दिमाग कैसा था बी और टी ले जाने वाला तो जैसा दिमाग को खिलाओगे वैसा ही दिमाग आपको देगा दिमाग पे सबसे पहले इन्वेस्ट करो फिर बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है सबसे पहले दिमाग में इन्वेस्ट करो तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरह सोचो कि वॉरेन बफे डोनाल्ड ट्रम्प ये अगर मेरी जगह होते आज किसी चीज को खरीदने के लिए तो वो इस सौदे को किस तरह से करते उनको पढ़कर सीखा जा सकता है कि वो क्या सोचते हैं बिजनेस के लिए उनकी क्या राय है वो अगर इस सौदे को करते तो कैसे करते और एक चीज़ और ज़िद्दी मत बनो कि मैं इसको क्यों पढ़ूँ ये रिच डैड पुअर डैड पढ़ते पहले पढ़ते पढ़ने से पहले इतना सोचा था क्या बिल्कुल नहीं सोचा था ज़िद्दी मत बनो कि मैं इसको क्यों पढ़ूँ इसमें क्या खास है इतनी बात तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि इस बुक को अगर यहाँ तक पढ़ लिया है ना आप लोगों ने सब्र के साथ में तो आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने दिमाग को खुला रखते हो हर चीज़ को अपने दिमाग में आने देते हो ऐसे इंसान नहीं जो किसी चीज़ के सामने आने पर उस पर डिबेट करने लगे क्योंकि उसके थॉट्स उस चीज़ से अलग हैं कि नहीं बिजनेस में ये पैसा पैसा दिखता है मैं तो नहीं करूँगा ज़िद्दी मत बनो इतने भी ज़िद्दी मत बनो कि अक्ल तो हो लेकिन उसे सही जगह पर ना लगा सको कहने का मतलब यह है कि मैंने ऐसे बहुत सारे जीनियस गरीब लोगों को देखा है क्योंकि वो अपनी अक्ल को सही जगह पर नहीं लगाते बोलने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है तो सोचो गॉड ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है दो कान दिए हैं तो उसे सुनने में यूज़ करो मुंह से मत सोचो सवाल पूछने की बजाय बहस मत करो मुझे रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने वाला जुआरी मत समझो मैं तो सिखा रहा हूँ सिखाता हूँ पढ़ाई पर मैं भी भरोसा रखता हूँ लेकिन आज की पढ़ाई पर भरोसा रखता हूँ ये दूसरी ताकत है तीसरी ताकत अच्छे दोस्तों को चुनो देखो अच्छे दोस्त सिर्फ अमीर हो ये जरूरी नहीं मेरे बहुत सारे गरीब दोस्त भी हैं अच्छे दोस्तों से सीखने को मिलता है मैं नहीं मानता कि जरूरी है कि अमीर ही सिखाते हो गरीब भी सिखाते हैं बहुत ज्यादा सिखाते हैं बल्कि उनसे सीखने को मिलता है कि क्या नहीं करना चाहिए उनकी तरह गलती नहीं करनी चाहिए मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जो बहुत कम उम्र में अरबपति बन गए आंखों से देखा है लेकिन उनके ही कई दोस्त जो गरीब हैं उनके पास कभी ये सीखने नहीं आते कि भाई मुझे भी सिखा कैसे करोड़पति बना दो तो। बल्कि दो चीज़ मांगने जरूर आते हैं वो एक तो कर्जा दूसरी नौकरी लेकिन ये सीखने नहीं आते कि मुझे सिखा कि तू करोड़पति कैसे बना लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि गरीब लोगों की इतनी मत सुनो इस मामले में क्योंकि अगर सुनोगे तो उन्हीं की तरह बन जाओगे वो कहते हैं ना कि एक जैसा सोचने वाले लोगों का एक ग्रुप बन जाता है वो ग्रुप में रहते हैं एक विचारधारा सी बन जाती है उनकी अगली ताकत है एक फार्मूला अपना बनाओ खुद का यूनिक और फिर उसके बाद उस फार्मूले को इतना ताकत एक्सपर्ट बनकर उसके अंदर दूसरा फार्मूला खोजो हर ब्रेड बनाने वाले बेकर का एक अपना फार्मूला होता है कहने का मतलब अगर एक बेकरी पे जाओगे तो हर ब्रेड बनाने वाले का अपना फार्मूला होता है लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि वो फार्मूले में एक्सपर्ट होने के बाद में कोई और फार्मूला खोजो और अगर एक जगह काम नहीं चल रहा तो दूसरा तरीका आजमाओ क्योंकि आज की इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में आप कितना जानते हो ये ज़रूरी नहीं है गौर से सुनना आज जो दुनिया तेज़ी से बदल रही है उसमें आप कितना जानते हो ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो आप जानते हो वो रोज़ पुराना हो रहा है हर एक सेकंड के साथ पुराना हो रहा है नई जानकारी मार्केट में आ रही है तो आज की बदलती हुई दुनिया में ज़रूरी यह है कि आप कितनी तेज़ी से नई चीज़ की पकड़ कर सकते हो बहुत ज़रूरी चीज़ है तभी आपका दिमाग आज के लिए तैयार होगा डेट्स याद मत रखो कोई ज़रूरत नहीं है ज़रूरी चीज़ ये है कि आज मार्केट में क्या चल रहा है पैसे के लिए मेहनत करने वाला जो तरीका है ना, ये इतना पुराना है जब लोग गुफा में रहते थे तब का तरीका है आज जो मार्केट की कंडीशन है वो बहुत अलग है अगली ताकत है खुद पर कंट्रोल रखना सीखो ये सबसे ज़रूरी ताकत है दोस्तों जैसे पैसा कमाया और उसको फूंक दिया अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखते क्या फ़र्क है आप में एक लॉटरी लगने वाले इंसान में एक लॉटरी लगने वाला इंसान क्या करता है उसके पास पैसा आया फिर उसके बाद वो कार खरीदेगा अपनी फैमिली को हॉलीडेज पर लेके जाएगा गोवा लेके जाएगा अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो शायद वो आगे बढ़ेगा उसकी गाड़ी वापस पीछे नहीं आएगी ये दस ताकतों में से सबसे ज़रूरी ताकत है यही वो ताकत है जिसकी वजह से इंसान डिसाइड करता है कि वो क्या बनेगा या तो वो रिच बनेगा या वो मिडिल क्लास बनेगा या गरीब बनेगा अमीर डैडी बहुत अच्छी बात बोलते थे कि ये जो ख़ुद पर कंट्रोल की कमी जिन लोगों में होती है ना वो लोग ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं जिन लोगों में डिसिप्लिन होता है अगर खुद पर डिसिप्लिन होगा तो, तो तुम ऐसे लोगों का शिकार करोगे जिन लोगों में डिसिप्लिन की कमी है खुद पर डिसिप्लिन रखो कि काम के टाइम पर काम कुछ और नहीं कोशिश पूरी पूरी करो कि अपनी प्रॉपर्टी वाले कॉलम में कभी भी एक भी पैसा जो डाला हुआ है वो वापस नहीं निकालेंगे चाहे हमें बिल पे करना हो चाहे बिल पे करना हो कितना ही जरूरी बिल पे करना हो उसके लिए दूसरे रास्ते खोजेंगे कि दूसरे रास्ते से हम लोग इतना पैसा कैसे कमाएं कि हम हमारे बिल पे कर सकें लेकिन प्रॉपर्टी वाले कॉलम को कभी नहीं छेड़ेंगे खुद पर प्रेशर बनाओ दूसरे तरीके ढूंढो बिल्स पे करने के अगली ताकत है अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दो यहाँ पर कई लोग ब्रोकर का मतलब नहीं समझते जो आपके पास अच्छे अच्छे सौदे लेकर आता है कई लोग इसको बीच में दलाल भी बोलते हैं उसको हमेशा खुश रखना चाहिए कई लोग उसको पैसे नहीं देते ढंग के तब वो आपको अच्छी सलाह नहीं देता ढंग की तो वो आपके पास अच्छे सौदे कैसे लेके आएगा यहाँ पर दोस्तों अमीरों का एक बहुत बड़ा रहस्य है मैं आपको बताता हूँ ये लोग अमीर बताए कैसे होते हैं इनके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन न्यूज़ इतनी ज़रूरी है ना सूचना इतनी ज़रूरी है ना कि कहाँ पैसा लगाओ कहाँ बढ़ेगा ये न्यूज़ का ज़माना है जिसके पास न्यूज़ पहले आई वो पहले खरीदेगा और वो पहले अमीर बनेगा बाद में लोग उसमें से बड़ी ज़मीन में से टुकड़े खरीदते हैं ब्रोकर को पैसा दो इतना पैसा दो कि वो खुश रहे और आपको अच्छी न्यूज़ ला करके दे वो आपको कमा के देगा कम से कम मैं इतना मानता हूँ कि ये होटल में जाकर वेटर को टिप देने से तो बहुत ही अच्छा है वेटर को टिप देने से ज़रा भी नहीं कतराते हम क्योंकि उसमें हम बड़े हो जाएंगे दिखाने के लिए लेकिन ब्रोकर को पैसा देने के लिए इतना क्यों सोचते हैं और इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि ये ब्रोकर पे भी ध्यान दो ये फ्रॉड भी, भी बहुत होते हैं कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में खुद तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदी नहीं और हमको राय दे रहे हैं तो स्मार्ट लोगों को स्मार्ट ब्रोकर्स को अपने पास रखो अमीर डैडी बोलते थे ना कि स्मार्ट लोगों को अपने लिए काम पर रखो तभी ज़्यादा स्मार्ट बनोगे अगली ताकत है सोचो कि मेरा पैसा मुझे कब तक वापस मिल जाएगा जिस चीज़ में भी मैंने पैसा लगाया है जितना भी मैंने लगाया है आंखें खुली रखो कि कैसे कब तक वापस मिल जाएगा वो पैसा जब मिल जाएगा तो फिर दूसरी प्रॉपर्टी पर काम करना शुरू कई बार मैंने पैसा खोया भी है कि मैंने कहीं लगाया फिर उसके बाद मुझे वापस नहीं मिला लेकिन मैं उतने ही पैसे पर गेम खेलता हूँ जितने का नुकसान मैं सह सकूँ अगली ताकत है कि अपने प्रॉपर्टी वाले कॉलम से ऐश की चीज़ें खरीदो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लोग अपनी ऐश की चीज़ें सिर्फ अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए खरीदते हैं कि आज देखो मैं नई बाइक लेके आया आज नई कार लेके आया लेकिन वो सब अपनी इनकम से खरीदते हैं थोड़ा वेट करके अपने प्रॉपर्टी वाले कॉलम को बढ़ने दो उधर से कैश फ्लो आने दो फिर जाके अपनी चीज़ों को खरीदो अगली ताकत है अपने हीरोज़ की नकल करो आपका हीरो कौन था जब आप छोटे थे मेरा हीरो तो था शाहरुख खान लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा हो गया अब मैं आपको बताऊं कि मेरा हीरो डोनाल्ड ट्रंप है डोनाल्ड ट्रंप मेरा हीरो है तो आप हंसोगे कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरह मैं बनना चाहता हूँ पॉलिटिक्स में भले ही कैसा हो डोनाल्ड ट्रंप लेकिन बिजनेस में कोई जवाब नहीं डोनाल्ड ट्रंप का हमारी कमी यही है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो अपने हीरोज़ को भूल जाते हैं और खुद के हीरो खुद ही बन जाते हैं नहीं आज अगर मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मुझसे बेहतर लोग मेरे हीरो हैं उनसे सीखूंगा सब कुछ पढ़ूंगा कि वो मार्केट के बारे में क्या क्या जानते हैं वो कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्या उनकी टेक्निक है कैसे वो सौदे करते हैं ये मैंने नौ ताकतों के बारे में बताया और आखिरी ताकत है दोस्तों जिसके बारे में मैं आपको बताऊं बाटो तभी मिलेगा लोगों में बांटो तभी मिलेगा चाहे ज्ञान हो चाहे पैसा हो जितना दोगे दो गुना मिलेगा मैं आज तक जितना पैसा लोगों में बांटा है मैं सही बता रहा हूँ उसका दो गुना मुझे वापस मिला है ये ऐसी दस ताकतें थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया ये दस कदम थे लोगों को ये फिलोसफी ज़्यादा लगेंगे कि इसमें काम की बातें कम है फिलासफी ज़्यादा है लेकिन दोस्तों ज़िंदगी में फ़िलोसफी भी बहुत ज़रूरी होती है सिर्फ काम करते रहो काम करते रहो तो सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा पहले सोचने का मौका देती है क्या फायदा हम काम करते रहें, करते रहें? आज मेरा किया हुआ काम नहीं चल रहा तो थोड़े टाइम के लिए इसे छोड़कर मैं रेस्ट दूं अपने दिमाग को सोचूं कि, कि किस तरफ आगे बढ़ूं क्या ये काम भविष्य के लिए सही रहेगा या फिर बदलूं इसको कोई और करूं मैं पर्सनली बता रहा हूं सिर्फ काम में नहीं लगा रहता बिज़नेस की बुक्स पढ़ता हूँ लोगों के आइडियाज़ पढ़ता हूँ लोगों के दिमागों को अपने दिमाग को सोचने का मौका देता हूँ दूसरे के दिमाग को पढ़कर और वो पढ़ने का मौका मिलता है उसकी लिखी हुई बुक्स से अपनी ज़िंदगी का पूरा एक्सपीरियंस लिखता है एक राइटर एक बुक के अंदर जो आपको कुछ दिनों में कुछ घंटों में पढ़ने का मौका मिलता है पूरी ज़िंदगी एक राइटर की और उस बुक में अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है कि ये बुक काफ़ी अच्छी लिखी हुई है मुझे अपनी ज़िंदगी में उतारना है इसको तो मैं जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश करता हूँ पता है क्यों क्योंकि कोई ना कोई मेरा ऐसा शुभचिंतक आ जाएगा बीच में ऐसा एडवाइज़र जो आकर के मुझे बोलेगा कि नहीं 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 भाई ये चीज़ गलत है जो तू करने जा रहा है ये बुक की बात कहाँ मान रहा है तू तो? फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा उस बुक में पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ऐसे लोगों की एडवाइस जो है वो आगे कुछ करने नहीं देगी और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एडवाइस देने वाले लोग कौन होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं किया अच्छा है मैंने अपने अलावा अपनी लाइफ में किसी और की नहीं सुनी बस मैं अपनी सुनता हूँ और क्यों सुनूँ जब लोग मुझसे एडवाइस मांगने आते हैं तो मेरी नहीं सुनते मैं क्यों सुनूं उनकी मैं आपको बताऊं मेरी एक दोस्त थी वो अपने एजेंट के साथ मेरे पास आई और बोलती है कि मुझे अपार्टमेंट खरीदना है आप अच्छे खासे इन्वेस्टर हो इस काम में तो मुझे बताओ ले चलो मेरे को गया नेक्स्ट सैटरडे उसके साथ मैं अपार्टमेंट्स देखने के लिए उसके साथ उसका एजेंट भी था हम लोगों ने छः अपार्टमेंट्स देखे होंगे जिसमें चार तो बेकार थे दो सही थे मैंने कहा ठीक है दो सही हैं लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इन छः के छः अपार्टमेंट्स के जो मालिक हैं उनको एक ऑफर दो ऑफर देना सीखो ऑफर ऐसे दो कि आधी कीमत ऑफर करो इनको कि हम जैसे तुम्हारा एक एक लाख डॉलर का अपार्टमेंट है तो हम पचास हजार डॉलर या फिर साठ हज़ार डॉलर देंगे तुमको वो हैरान हो गए ये बात सुनते ही क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये बदतमीजी होगी भाई इस तरह से हम नहीं दे सकते ऑफर वो इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इतना कम कैसे दे दें आगे से खुद ऑफर दिया ही नहीं उन लोगों ने मेरी एडवाइस मानी नहीं और वो चले गए दूसरा सौदा देखना अच्छी कीमतों पर उन्हें लगा मुझे कुछ नहीं आता इतने साल काम करने के बावजूद मुझे कुछ नहीं आता और आज तक वो देख ही रहे हैं सौदे अच्छी कीमत पर अच्छी लोकेशन पर आगे से कभी ऑफर दिया नहीं बेचारों ने अब आप बताओ आप अगर कोई घर खरीदोगे मैं उसकी जगह आपको रख के देख रहा हूँ कि आप बताओ आप कोई घर खरीदोगे तो आपको क्या पता है इस घर की कीमत क्या है कौन बताएगा आपको इस घर की कीमत क्या है सब आपको मालिक से पता चलेगा कि भैया मैं इस घर की ये कीमत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये बताओ बेचने वाला हमेशा कभी भी कभी भी उस घर की कीमत कम मांगेगा क्या वो बढ़ा के ही बताएगा हमेशा ज़्यादा ही मांगेगा तो उसको खुद से ऑफर देना चाहिए इन लोगों बस इतनी सी बात नहीं बता कि प्रॉपर्टी बेचना कितना मुश्किल काम है वो सामने वाला बंदा प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो कोई ना कोई रीज़न होगा ऑफर देना ज़रूरी है अपने आगे से ऑफर देना ज़रूरी है मार्केट में जाओ लोगों से मिलो महीने में एक बार ऐसे एरिया में जॉगिंग करते करते जाओ जहाँ प्रॉपर्टीज़ वाकई कोई वहाँ के एरिया को बदलते हुए देखो मैंने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में बेहतर सौदे कैसे किए हैं पता है जॉगिंग करते जौगिंग करते मैं चेंजेस को नोटिस करता था किसी एरिया में चला जाता था घूमने के लिए तो महीनों में वहाँ महीनों में वहाँ पे जॉगिंग करता रहता था तो वो एरिया कैसे बदल रहा है वहाँ के पोस्टमैन दूध वाले से बात करता था क्योंकि इन लोगों को सबसे ज़्यादा एरिया के बारे में जानकारी होती है तो एक्टिव हो जाओ आप भी अपनी लाइफ में एक्टिव हो जाओ चीज़ों को देखो समझो अपने आप को अपने अंदर के फाइनेंशियल जीनियस को जगा के रखो अब फाइनली इस बुक को ख़त्म करते करते मैं इस बुक का एक कंक्लूजन बता रहा हूँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ में एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा इस बुक का मकसद किसी को घ्रीढ़ी आदमी बनाना नहीं है पैसे के लिए पागल बनाना नहीं है बल्कि सिखाना है पैसे की समझ जो आज ज़रूरी है एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मेरे एक दोस्त की एक दोस्त था मेरे पास आके रो रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके चार बच्चे हैं जो आने वाले टाइम में उसके पास बारह हज़ार डॉलर थे और आने वाले टाइम में उन बच्चों की कॉलेज का खर्चा होगा चार लाख डॉलर तो वो कैसे संभालेगा अभी कुल उसका बच्चा छः साल का था उसको अभी से टेंशन होने लगी थी मैंने कहा जितने तेरे पास हैं उस हिसाब से चार लाख डॉलर तो बहुत ज़्यादा हो गए लेकिन अभी टाइम है मार्केट डाउन है इकोनॉमी तो में डाउन चल रही है तो एक काम करते हैं इस टाइम पर लोग घर बेच बेच के जा रहे हैं तो एक अच्छा सा घर ले लेते हैं उसको ये आइडिया अच्छा लगा लेकिन पैसा कहाँ था पैसा इतना था नहीं तो मैंने कहा पैसे की ज़रूरत नहीं है दिमाग की ज़रूरत है दो हफ्तों तक हम लोगों ने उसके लिए एक घर ढूंढा फिर एक दिन एक अच्छा सा घर मिल गया और किस्मत की बात थी ऐसा घर उसको मिला जिसमें तीन बेडरूम्स थे और बाकी सब चीज़ें मालिक जल्दी में था उसको कैलिफोर्निया जाना था उसको अभी के अभी घर बेचना था आज ही के दिन में और एक लाख दो हज़ार डॉलर वो चार मा, मांग रहा था तो हम लोगों ने आगे से बोला कि सेवेंटी नाइन थाउजेंड डॉलर का हम ऑफर देंगे आपको आपको मानना है तो मानो वो फटाफट राज़ी हो गया और इस घर के ऊपर बहत्तर हज़ार डॉलर का लोन था यानी अब जो इस घर को ख़रीदेगा वो लोन उस पर चढ़ जाएगा और ये फ्री हो जाएगा इसके अलावा अब इसको सात हज़ार डॉलर जमा करने थे उस आदमी को देने के लिए ठीक है इसने जमा किए उस घर के मालिक को दिया उस घर के मालिक ने घर खाली किया और इसने क्या किया मेरे दोस्त ने उस घर को रेंट पर चढ़ा दिया उसको हर महीने एक डॉलर आने लगे चलो ठीक है इतने में वो सेटिस्फाई हो सकता था लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है बारह सालों तक हम इस घर को अपने पास रखेंगे एक सौ पच्चीस डॉलर जो रेंट के आ रहे हैं इससे हम लोग कर्जा चुकाने की कोशिश करेंगे बैंक का कुछ तो चुकेगा ठीक है कुछ तो कर्जा उतरेगा बारह सालों तक तो उसने एक्सपेक्ट किया था लेकिन मार्केट दो सालों में अचानक से बदल गया और उसके घर की कीमत में बढ़ोतरी हो गई कितनी बढ़ोतरी हो गई वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन इस घर के किराएदार ने इस घर के लिए एक लाख छप्पन हज़ार का ऑफ़र दिया एक लाख छप्पन हज़ार डॉलर का ऑफ़र दिया उस टाइम जब उसने घर बेचा तो अस्सी हज़ार डॉलर कमाए मतलब जितना उन उसने लगाया था जितना बैंक वैंक का सब कुछ चुका करके उसके पास अस्सी हज़ार डॉलर बचे सिर्फ दो साल के अंदर फिर वो चाहता तो यहीं रुक जाता उसने कहीं और इन्वेस्ट किया कहीं और से पैसे आने लगे उस पैसे को इसने कॉलेज के म्यूचुअल फंड में लगा दिया फिर उसके बाद कहीं और इन्वेस्ट किया धीरे 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 करके वो खेल समझ गया और खुद ही करने लगा मैं अच्छी पैसा है ये थी मेरे दोस्त की एक छोटी सी कहानी यहाँ पर ये बुक खत्म होती है इस बुक को पढ़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा लास्ट में आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आपके हाथ में क्या है आपके हाथ में क्या है ये बात इसी से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या है ये बुक अगर अच्छी लगी हो आपको तो एक बुक और सजेस्ट करना चाहूँगा थिंक एंड ग्रो एच ये बड़ी कमाल की बुक है मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ क्योंकि पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे थैंक यू रॉबर्ट की की